हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली प्रिंटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि आपने क्या करा, अपने सिस्टम के अंदर कोई प्रिंटर इंस्टॉल किया, या फिर आप कह सकते हैं दो तीन प्रिंटर हैं जो इंस्टॉल हैं इनके ड्राइवर। अब आपको परमानेंट किसी एक ही प्रिंटर से क्या करना है, प्रिंट निकालना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस भी प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है उस प्रिंटर को यहाँ पर क्या कर देना, बाय डिफॉल्ट सेट कर देना है। और आप जब भी क्या करोगे, प्रिंट निकालोगे, ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, उसी प्रिंटर से बाय डिफॉल्ट प्रिंट निकलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, सेव किया, F2 किया और सेव करूँगा, तो ऑटोमेटिक देखो जो मैंने प्रिंट यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिक वही प्रिंटर यहाँ पर आ जाएगा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने पर। और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के साथ साथ आप अगर पेज के साइज में मार्जिन को घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो घटा बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि आपने कहा टॉप और राइट का जो मार्जिन है आप इतना नहीं रखना चाहते, कम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके साइज को कम कर दोगे तो यहाँ पर आपका साइज भी कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्रिंट निकालोगे ऑल्ट भी करोगे, ठीक है, तो ये जो मार्जिन है आपका ये थोड़ा कम हो जाएगा साइड में। देखो इधर से पूरा कम हो गया और इधर से आपका थोड़ा कम हो गया, ठीक है, तो ये मार्जिन आपका पेज के मार्जिन को कम बढ़ती करने के लिए। इस तरह से आपको क्या करना है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हमारी बेसिकली क्या है, प्रिंटिंग से रिलेटेड है। जो भी आपको प्रिंटर बाय डिफॉल्ट सेट करना है वो आप कैसे सेट करोगे, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करके ही आप उसको सेट करोगे यहाँ पर। ठीक है,